हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 5 नंबर कान्हा जी की स्टार शेप की ड्रेस। ड्रेस बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लगती है ये। इस ड्रेस को आप किसी भी कलर में और किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए इसी शुरू करती हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और 3 प्लाई की वूल ली है। 5 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बना ली। 5 नंबर कान्हा जी की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वहाँ से देखकर आप इसको बना सकती हैं। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको बना सकती हैं। तो अब इसका घेरा स्टार्ट करते हैं। घेरा स्टार्ट करने के लिए हम स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल तक आ गए हैं। यहाँ से अब हम नया धागा अटैच करेंगे। हमने नया धागा यहाँ ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच किया इसको, और फिर इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा धागा यहाँ स्टार्ट हो गया। अब इसी जगह पे हम 2 चेन और बना देंगे, तो ये 3 चेन हो गई। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी जगह पे हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर इसी जगह पर, सेम प्लेस पर, हम 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर एक कली तैयार हो गई। फिर 2 चेन स्किप करेंगे हम, 1 और 2। 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड चेन में क्रोशिया हुक डालकर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाई, और इसी जगह पर हम 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। देखिए इस तरह से कली तैयार हो गई। फिर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर फिर से इसी तरह से कली बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन ली, और इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। चोली के एंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशिया थी, उसमें से हम एक स्किप कर देंगे और 24 डबल क्रोशिया पे इसी तरह से पत्ती बनाएंगे। एक कली के लिए हमें 3 चेन की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास टोटल 24 चेन है। तो हमारे पास 8 कलियाँ ऐसी बनकर तैयार होती है। राउंड को कंप्लीट करते हैं। राउंड कंप्लीट कर लिया, लास्ट में आ गए इसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ही नेक्स्ट चेन में आएंगे हम, और जो 2 का स्पेस है वहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच बनाते हुए आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से 3 की चेन लेंगे। ये 3 की चेन बनाई, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी जगह पर हम 2 बार और बनाएंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर 1 3 की चेन, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, और उसके बाद 2 बना दिए हमने, तो टोटल 3 हो गए। फिर 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 कलियों के बीच में जो स्पेस है उस जगह पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए,
ये हमने तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद दो पत्तियों के बीच में, दो कलियों के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब वापस कली के बीच में दो दो चेन का स्पेस है, वहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन लेंगे। दो चेन लेने के बाद इसी जगह पर फिर से हम तीन बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो कलियों के बीच के स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी तरह से कली के बीच में तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया इसी जगह पर, और दो कलियों के बीच के स्पेस में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं। राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ पर दो कलियों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाकर तीन की चेन के अंदर यानी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ होल तक नहीं पहुँचेंगे, उससे एक पहले तक रहेंगे। धागा चेंज करेंगे हम यहाँ पर, इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ तीन चेन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, यानी जो दो चेन का स्पेस है उससे ठीक पहले वाले डबल क्रोशिया पे हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस स्पेस के अंदर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर दो चेन लेंगे। दो चेन लेकर इसी जगह पर हम तीन बार डबल क्रोशिया और बना देंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो देखिए इधर भी हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाया, फिर चेन के अंदर हमने तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाए, उससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब जो हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया था, जो दो कलियों के बीच में बनाया था, उसको हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। इस तरह से इसके नीचे से क्रोशिया हुक डालते हुए ले आएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर से हम दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस चेन के अंदर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाकर दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाकर इसी जगह पर हम तीन बार फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। और नेक्स्ट जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो कलियों के बीच की डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए इस तरह से। फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
दो की चेन के अंदर हम तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड पूरा करते हैं, राउंड कंप्लीट कर लिया, लास्ट में आ गए हम इसके। अब यहाँ थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट चेन में आ गए स्लिप स्टिच बनाते हुए और नेक्स्ट चेन में आ गए, यानी हमें हर राउंड में दो दो चेन स्किप करनी है। दो डबल क्रोशिया हमने स्किप कर दिया, नेक्स्ट पे हमने तीन की चेन बनाई, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे फिर से एक बार बनाएंगे तो यहाँ दो हो गए। अब इस चेन के अंदर हम तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन, उसके बाद फिर से तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट पर भी एक बार और आगे के दो डबल क्रोशिया हम स्किप कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से बनेगी। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट उठा देंगे, इस फ्रंट पोस्ट की जगह पर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे हर बार। नेक्स्ट की दो डबल क्रोशिया हम स्किप कर देंगे और थर्ड के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट पर भी हम एक बार बनाएंगे। अब जो दो की चेन है वहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया के बाद में दो चेन, फिर से इसी जगह पर तीन डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट पर भी एक बार बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया हम स्किप कर देंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे और थर्ड के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड बन रहा है। राउंड को कंप्लीट करते हैं, राउंड के एंड में आ गए, कंप्लीट कर लिया हमने इस राउंड को। अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे, नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। हमने दो चेन स्किप कर दिए, दो डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड में आ गए हैं। अब यहाँ हम धागा चेंज करेंगे, इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे फिर से एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट पर फिर से एक बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने दो डबल क्रोशिया स्किप कर दिए, उसके बाद हर डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ जो दो की चेन है वहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाकर दो चेन बनाएंगे, दो चेन के बाद फिर से इसी जगह पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे फिर से एक बार और नेक्स्ट पे
फिर से एक बार, किस तरह से। अब हम फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट पे फिर से डबल क्रोशिया एक बार, नेक्स्ट पे फिर से एक बार डबल क्रोशिया और दो की चेन में तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, दो चेन बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे एक बार, नेक्स्ट पे भी एक बार और नेक्स्ट पे भी एक बार और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरह से हमारी ये कलियाँ बननी तक शुरू हो गई। हम हर राउंड के अंदर, हर राउंड में हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के बाद में दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड में बनाएंगे और इधर से भी दो चेन या दो डबल क्रोशिया स्किप करके और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और कली के बीच में हम तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर राउंड में इंक्रीज करते हुए हम ये घेरा पूरा करते हैं। ड्रेस का घेरा मैंने पूरा कर लिया। देखिए इसके अंदर मैंने आठ राउंड बनाए हैं। हर कली के अंदर हमने एक एक डबल क्रोशिया इधर और एक इधर इस तरह से हर राउंड के अंदर बढ़ाया है। लास्ट में आते हुए हमारे पास इस कली के अंदर एक दो तीन चार पाँच छः, छः और तीन इधर ये हो गए, नौ इधर हो गए और एक दो तीन चार पाँच छः और तीन इधर, नौ नौ डबल क्रोशिया हो गए, जो कि शुरू में हमारे पास दो इधर और दो इधर थे। हर राउंड के अंदर हमने बढ़ाया है। अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया इधर स्किप कर देंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर एक और दो, दो डबल क्रोशिया यहाँ स्किप करने के बाद तीन की चेन के थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए यहीं पर हम तीन चेन लेंगे और इसी जगह पर तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक दो तीन। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक और दो, दो स्किप कर देंगे और थर्ड चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से इसी जगह पर हम तीन चेन बनाएंगे और यहीं पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और दो चेन स्किप कर देंगे और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से इसी जगह पर हम तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाकर यहीं पर हम तीन डबल क्रोशिया बना देंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक और दो डबल क्रोशिया यानी दो चेन स्किप करेंगे और जो ये हमारे दो की चेन थी उस दो की चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर से इसी जगह पर हम तीन चेन बना लेंगे। तीन चेन बनाने के बाद यहीं पर इस स्पेस के अंदर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाया ले। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट क्रोशिया है
फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। यहीं पर हम फिर से तीन चेन बनाएंगे और इसी जगह पर तीन बार डबल क्रोशिया। जैसे इस तरफ बनाया है हमने कली के, इस तरफ जिस तरह से तीन पत्तियां बनाई हैं इसी तरह से इधर भी बनाएंगे। हम एक और दो चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से इसी तरह से तीन चेन बनाकर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह। और दो चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाकर अब दो चेन छोड़ देंगे और तीसरी चेन जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे। फिर से इसी तरह से हम बॉर्डर के लिए पत्ती बनाएंगे। तीन चेन लेकर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर और दो चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमारी ये देखिए बॉर्डर तैयार हो रहा है। दो पत्तियां और बना ली मैंने। अब इसको हम ये दो का स्पेस है जहाँ पर ये हमने बनाया है वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम यहाँ एक और पत्ती बनाएंगे। तीन चेन लेकर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में, देखिए यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। ड्रेस का घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और इसी जगह पर तीन हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो बार बनाया और ये तीन बार, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, यानी दो चेन को छोड़कर हम यहाँ जो फ्रंट पोस्ट है फ्रंट पोस्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से आ गए यहाँ पर नेक्स्ट चेन में और जहाँ से हमने तीन की चेन स्टार्ट की थी वहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे। तो देखिए मैंने ड्रेस कंप्लीट कर ली है। पाँच नंबर कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। स्टार शेप की ड्रेस है ये। इस ड्रेस को आप छोटा और बड़ा किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आप इसे छोटा साइज़ में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मैंने बैंगनी कलर का जो राउंड लिया है उसके बाद दो ये लिए हैं, दो पीले रंग के, फिर दो बैंगनी और फिर दो पीले रंग के बनाकर उसके बाद किनारी बनाई है। लेकिन आप अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक राउंड इसका कम कर दें बैंगनी कलर का और यहाँ पर एक राउंड बैंगनी का यहाँ कम कर दें तो यहाँ दो राउंड कम हो जाएंगे। और छोटा बनाना चाहते हैं तो ये सभी राउंड जो है वो एक एक राउंड बनाएं तो ड्रेस आपकी छोटी हो जाएगी। और अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ इसके बाद पीले रंग के बाद आप दो राउंड बैंगनी कलर के डाल दें और उसके बाद किनारी बना दें। इस तरह से आप इस ड्रेस को छोटी और बड़े साइज़ में बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।